यस एवरीबॉडी, कल हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर पंकज, एक सेकेंड, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसको बंद कर, इसको बंद करके कॉर्नर में ला दे एकदम। हाँ इधर ले, एकदम ऊपर ले जा, बस बस बस। हाँ इसको नहीं हो रहा है, चल बाद में कर देंगे, मुझे जरूरत नहीं है अभी, बाद में कर लेंगे। बेटा कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 हुआ करता था। होमवर्क में मैंने आपको 2nd, 3rd, 5th और 6th दिया था, है ना? इजी क्वेश्चंस थे, कर लिए? ओके, कर ही लिया होगा बेटा। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, अकोमोडेशन या फिर बिल्स फॉर अकोमोडेशन। टॉपिक का नाम लिखें, बिल्स फॉर अकोमोडेशन। मैडम आपको ये बंद करना पड़ेगा, इसे ये आपकी रोज की जिम्मेदारी हो गई। लेफ्ट उधर वाला, आपके उधर वाला, हाँ थैंक यू। बिल्स फॉर अकोमोडेशन लिख लिया। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लें। समटाइम्स द मैकेनिज्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, समटाइम्स द मैकेनिज्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज can also be used for facilitation of a trade, or to generate the funds, full stop. When such a bill comes into existence, it is called bills for accommodation, full stop. अब जो थ्योरी आपने लिखी है उसके अपन मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है। समटाइम्स द मैकेनिज्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड और टू जनरेट द फंड्स। व्हेन सच बिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट इज कॉल्ड बिल्स फॉर अकोमोडेशन। बेटा अब तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन पढ़े उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी। जो मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल्स मेरे खुद के करवाए थे
वहां पे मैं हर एग्जाम्पल में ए सोल्ड गुड्स टू बी लिख रहा था, ए के बुक्स में बी टू सेल हो रहा था, बी के बुक्स में परचेज टू ए हो रहा था बेटे। हमने जो बाकी के क्वेश्चंस किए विजय और प्रीतम वाले, रीटा सिरीमन वाले, डेविड और थॉमस वाले, उसमें सभी पर्सन के बीच में कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रखी थी, यानी कोई किसी का डेटर था और कोई किसी का क्रेडिटर था। तो जब किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाने के बाद कोई बिल बनता है वो तो नॉर्मल बिल जैसे अपन लोग पढ़ते हैं, बी आर बी भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई बिल बिना किसी ट्रेड एक्टिविटी किए भी दो पार्टी आपस में एक दूसरे पर बिल लिख ले और दूसरी पार्टी उस बिल को एक्सेप्ट कर ले, देन सच बिल इज कॉल्ड बिल्स फॉर अकोमोडेशन। वॉट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन? हेल्प करने के लिए, किसी भी पर्पज को पूरा करने के लिए अगर आप कोई बिल बनाते हैं तो उसे ही बिल्स फॉर अकोमोडेशन का नाम देते हैं। अब मैं आपको दो बातें लिखवाई है, फॉर फैसिलिटेशन ऑफ अ ट्रेड ट्रांसमिशन और टू जनरेट द फंड। अगर आप किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी को पूरा करते हैं या पूरा करवाने के लिए कोई बिल बनाते हैं या फिर आप फंड्स को जनरेट करने के लिए कोई बिल बनाते हैं तो उसी बिल को अपन का नाम देते हैं बिल्स फॉर अकोमोडेशन। सबसे पहला अपन ने लिखा है फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। अभी एग्जाम्पल मैं आपको देख के बताऊंगा, इस एग्जाम्पल को 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगने लगेगा। मैं अभ्युदय के साथ जनरली गुड्स कैश और क्रेडिट में गुड्स जनरली बाइंग एंड सेलिंग करते रहता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। एक दिन मुझे मेरे किसी कस्टमर ने कोई स्पेशल तरह का प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर दिया, स्पेशल तरह का कोई प्रोडक्ट था। अब वो जो प्रोडक्ट है उसमें स्पेशल तरह का मटेरियल भी लगेगा और वो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको ये प्रोडक्ट बना के दूंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब वो मटेरियल मेरे पास तो नहीं था, तो मैं जिससे रेगुलर ट्रेडिंग करता हूँ अभ्युदय के पास जाऊँगा, उसे कहूँगा यार ये मुझे मटेरियल जरा प्रोवाइड करवा दे, मैं इस गुड्स का प्रोडक्शन करके माल बेचूंगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और मैं तेरे पैसे तुझे 1 महीने बाद लौटा दूंगा। अब अभ्युदय ने कहा यार मेरे पास तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कभी कभी किसी चीज़ को बनाने के लिए सम स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल चाहिए होता है। मैंने कहा यार ये मटेरियल तो इस अभ्युदय ने कहा मेरे पास तो ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा यार तेरे को तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बना सका तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, प्लीज हेल्प मी आउट। इसने बोला मैं तेरे को एक आदमी का नाम और एड्रेस लिख के देता हूँ। बेटा आपका नाम बोलिए जरा। प्रसून। इसने बोला प्रसून नाम से एक बिजनेसमैन है, आप उसके पास चले जाओ, मैं आपको उसका एड्रेस लिख देता हूँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, आप उसके पास चले जाइए, ऑल ओवर जयपुर में यही वो बिजनेसमैन है जो इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है। मैंने कहा अभी उदय मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम एक दूसरे के रेगुलर कस्टमर हैं, तो तुम मुझे क्रेडिट सेल अलाउ परचेज अलाउ कर देते हो, मैं तुम्हें क्रेडिट परचेज अलाउ कर देता हूँ, मैं तो प्रसून को जानता ही नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो जैसे तुम मुझे क्रेडिट सेल कर देते हो ना वो मुझे क्रेडिट सेल नहीं करेगा। बात सही है? इसने बोला कोई बात नहीं, जाके ट्राई तो कर ले, क्या पता गुड्स बेच ले। मैं किसके पास जाऊंगा बेटे? प्रसून के पास। मैंने कहा प्रसून मुझे ये वाला मटेरियल दे दो। इस बेचारे ने क्या किया, गोडाउन में से सारा मटेरियल लेकर आया, काउंटर पे रख दिया, अच्छे से पैक कर दिया, मैंने वो मटेरियल उठाया, इसका क्रॉस क्वेश्चन क्या आएगा? पैसे? क्या बोलेगा ये? अरे थोड़ा तो बोलो यार, सुबह सुबह खाना वाना नाश्ता वास्ता करके आते हो, इसका भी जवाब नहीं दोगे? दोगे? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। प्रसून मुझसे क्या मांगेगा बोलिए? मैंने बोला प्रसून पैसे तो नहीं है। उसने बोला सामान रखो, रख दो सामान। भाई कैसा आदमी है, पैसे लेकर नहीं आया। मैंने कहा मैं तो लोगों से क्या करता हूँ, उधार में खरीद लेता हूँ, तुम भी मुझे उधार में बेच दो। उसने बोला भाई मैं तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, पहली बार एक दूसरे के साथ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं तुझे कैसे उधार में माल बेच दूँ। मैंने कहा यार मैं एक बहुत वेल नोन पर्सन हूँ, मुझे अच्छे से लोग जानते हैं, कई लोगों के मैंने नाम दे दिए, इससे पूछ लो इससे पूछ लो, या मैं तुम्हारे तुम मेरे पर एक बिल ड्रॉ कर दो, उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बताइए प्रसून मुझे पहली बार ही किसी भी तरह का उधार माल बेचने के लिए रेडी हो जाएगा क्या? भले ही ये मेरे ऊपर बिल बना दे, भले ही मैं उस बिल को एक्सेप्ट कर दूँ, ये मुझे जानता ही नहीं है, क्या ये मुझे उधार में माल बेचने के लिए रेडी होगा? नो। मैंने कहा प्रसून तू बता फिर मैं क्या करूँ, पहली बार कोई एक्टिविटी करेंगे तभी तो रिलेशन बनेगा ना यार। इसने बोला बात तो सही है, चल कोई बात नहीं। इसने पूछा तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? मैंने कहा अभी देने। बोले काम कर, अभ्युदय का एक्सेप्ट किया हुआ कोई बिल मुझे एंडोर्स कर दे। क्या बोला इसने? अभ्युदय का एक्सेप्ट किया हुआ कोई बिल मुझे एंडोर्स कर दे। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा
कि मैं पैसे तुझसे लेने की बजाय इस बेचे हुए गुड्स का पैसा किससे ले लूंगा, अभ्युदय। मैं कहा वो क्यों देगा? बोले तू उसे पैसा दे देना, अभ्युदय किसको पैसा दे देगा, मुझे दे देगा। तो मैंने कहा जब तुझे पैसा लेना ही है तो मेरे पे ही बिल लिख देना, मैं ही दे दूंगा पैसे। बोले मुझे तो उस पर विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास किसके ऊपर है? और मुझे पता है कि अगर ये आदमी उस बिल का पेमेंट नहीं देगा तो इसका एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर होगा कि नहीं होगा, और इसकी गुडविल पे डेफिनेटली डेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसने बिल एक्सेप्ट किया था और इसने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर। बेटा मेरी बात समझ में आई क्या? मैं ये सारी पंचायती किसके पास आके कहूंगा, अभ्युदय के पास। उसने बोला नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे बिल को एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। तो बेटा बिल कौन लिख रहा है? मैं। किसके ऊपर लिख रहा हूँ? अभ्युदय के ऊपर। जनरली बिल लिखने वाला पर्सन पहले किसी पर्सन को गुड्स बेचता है और बदले में बिल लिखा कर उसे एक्सेप्ट करवाता है। बेटा क्या मैंने और अभ्युदय ने आपस में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करी है क्या? लेकिन फिर भी वो मेरा लिखा हुआ बिल एक्सेप्ट करने को रेडी हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट जवाब देना। बिल लिखा किसने? मैंने। एक्सेप्ट किसने किया? अभ्युदय ने। मेरे लिए बना BR, अभ्युदय के लिए बना BP। फटाफट बताएंगे ये मेरे और अभ्युदय के लिए जो बिल बनाया गया है, ये मेरे और प्रसून के बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होने वाली है उसी को पूरा करने के लिए बनाया गया बिल है कि नहीं? मेरे और अभ्युदय के बीच में जो बिल बना, दैट बिल इज कॉल्ड बिल्स फॉर अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बिल्स फॉर अकोमोडेशन। मैं गुड्स किससे खरीद लूंगा? प्रसून से। और किसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल एंडोर्स कर दूंगा? अभ्युदय का। बात समझ में आ गई बेटा? जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी, मैं पैसे किसको दूंगा? अभ्युदय को। अभ्युदय किसको पैसा दे देगा? प्रसून को। और मेरे और प्रसून के बीच में बिना किसी बिल बने ही ट्रांजेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये ट्रांजेक्शन कब पॉसिबल हो सका? जब मेरे और अभ्युदय के बीच में एक बिल्स फॉर अकोमोडेशन बनाया गया। प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? बेटा ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए जरा। 9th इलस्ट्रेशन में जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है वैसा का ही वैसा आपको दिखेगा। देखिए फर्स्ट पार्टी कौन है बेटा? जॉर्ज। ऑन 1 जुलाई 2019 जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। बिल किसने लिखा है? जॉर्ज ने। किसके ऊपर लिखा? हैरी, फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में कहीं पर भी दिखाई दिया क्या कि जॉर्ज ने हैरी को कोई माल बेचा है या हैरी ने कोई जॉर्ज से माल खरीदा है? लेकिन फिर भी हैरी ने किसका लिखा हुआ बिल एक्सेप्ट कर लिया? तो जॉर्ज और हैरी के बीच में जो बिल बना उस बिल को बिल्स फॉर अकोमोडेशन का नाम दिया गया। आगे देखिए, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो यहाँ पे जॉर्ज मुझे मान लीजिए, हैरी अभ्युदय को मान लीजिए, जैक किसको मान लीजिए? प्रसून को। बात समझ में आ गई? जॉर्ज यानी मैं हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक यानी कि प्रसून। जॉर्ज एंडोज्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो मैंने जो अभ्युदय पर बिल लिखा था, यानी जॉर्ज ने जो हैरी पर बिल लिखा था, वो उसने जैक यानी प्रसून के फेवर में एंडोज कर दिया। बेटा बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ तक की कहानी तो नॉर्मल सिचुएशन थी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एड ऑन क्या किया गया है। ऑन September 1, 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक ने गुड्स किससे खरीद लिया बेटे? हैरी से, वर्थ ₹1,90,000। नाउ जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। जैक ने क्या दिमाग लगाया? जॉर्ज ने बिल किसको दिया था? जैक को। जैक ने गुड्स किससे खरीद लिया? हैरी से। अब हैरी को पैसा लेना है जैक से, या मैं कहूँ जैक विल हैव टू मेक द पेमेंट टू हैरी ना। जैक ने ये दिमाग लगाया कि जो उसके पास जॉर्ज से BR आया हुआ था, वही BR इसने फर्दर किसको एंडोर्स कर दिया? हैरी को। किसको एंडोर्स कर दिया? हैरी को। आगे, ऑन October 1, 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2,00,000 फ्रॉम जॉर्ज। बाद में एक ट्रांजेक्शन और हुआ, किसके बीच में? जॉर्ज और हैरी के बीच में। कितने रुपीज का बेटे? ₹2,00,000। हैरी पेड द अमाउंट टू जॉर्ज बाई चेक। क्या मैंने कोई वर्ड मिस कर दिया है क्या? हैरी पेड द अमाउंट टू जॉर्ज बाई चेक।
ड्यू ड्यू वर्ड मिस कर रहा हूँ क्या? अगर मिस करूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक का मतलब क्या होगा, और हैरी पेड द अमाउंट टू जॉर्ज बाई चेक का क्या मतलब होगा, बताइए फटाफट। अगर मैं खाली, हाँ शाबाश, अगर मैं खाली ये लिखूं कि हैरी पेड द अमाउंट टू जॉर्ज बाई चेक, इसका मतलब हैरी कितने रुपए का चेक दे रहा होगा, 2 लाख। लेकिन जब शब्द कौन सा आ जाता है बेटा, ड्यू, तो ड्यू का मतलब पता है क्या हो जाता है? ड्यू का मतलब जो भी हैरी और जॉर्ज के बीच में बैलेंसिंग फिगर रहा होगा, वही पैसा हैरी किसको पे किया होगा, जॉर्ज को। आगे कहता है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। अपने से क्वेश्चन में एंट्री तो केवल किसकी बुक में मांगी हैरी एंड जॉर्ज, लेकिन हम लोग किसकी भी बुक्स में एंट्री करेंगे, जैक, ताकि थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाए। बेटा ये क्वेश्चन ना पास्ट एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन था, जॉर्ज की जगह जी लिखा हुआ आया था, हैरी की जगह एच लिखा हुआ आया था, और जैक की जगह जे लिखा हुआ आया था, बाकी वैल्यूज एकदम सेम थी। मैंने पास्ट पेपर्स आपको दिखाए थे, वैसा ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आपने क्वेश्चन एक बार तो पढ़ लिया, एक बार इसको समराइज करते हैं। कितनी पार्टी है क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्टी जॉर्ज, सेकेंड पार्टी हैरी, थर्ड पार्टी जैक। सबसे पहले बिल जॉर्ज ने किसके ऊपर लिखा? हैरी के ऊपर। जॉर्ज के लिए बन गया बी आर, हैरी के लिए बन गया बी पी। सभी को बात समझ में आ गई? जॉर्ज ने गुड्स किससे खरीदा? जैक से। तो जॉर्ज को पैसा देना चाहिए था, उसने पैसा नहीं दिया, जबकि हैरी का आया हुआ 1,80,000 रुपए का बिल एंडोर्स कर दिया होगा। बेटे फटाफट बोलिए ना। अब की बार जैक ने गुड्स किससे खरीदा? हैरी से। अब जैक ने पैसा 1,90,000 का देने की बजाय 9,000 का तो कैश में पेमेंट दे दिया, 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, और 1,80,000 का जो चेक जैक को किससे मिला था? जॉर्ज से। वो उसने किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया? हैरी। क्या आपको नहीं लगता कि हैरी के पास जो बिल एंडोर्स होके आया है, ये वही बिल था जो इसने जॉर्ज के फेवर में एक्सेप्ट किया था? बेटा वही बिल था ना, ठीक है। बाद में हैरी ने गुड्स किससे खरीदा? जॉर्ज से। कितने रुपए का? और हैरी ने ड्यू अमाउंट दे दिया जॉर्ज को। अब ड्यू 2 लाख का था या क्या था, वो तो क्वेश्चन करने पे पता चलेगा। एंट्री मांगी दो पार्टी की बुक में है, हैरी एंड जॉर्ज। हम करेंगे हैरी, जॉर्ज एंड जैक की बुक में। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? जर्नल एंट्री। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और तीनों पार्टी की बुक में एंट्रीज बनाएंगे। लिखो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर, मैं जॉर्ज की जगह जी लिख रहा हूं, हैरी की जगह एच और जैक की जगह जे। हाँ जी, सबसे पहला बिल बनाया किसने था? देखिए मैं आपके बिना बोले नहीं लिखूंगा। सबसे पहला बिल किसने बनाया था? तो जॉर्ज के लिए क्या हुआ? बी आर। और एक्सेप्ट किसने किया? तो हैरी के लिए हुआ बी पी। एंट्री बोलिए। करेक्ट, आप तो पूरा हैरी बोलिएगा, ठीक है। बी आर अकाउंट डेबिट टू हैरी, ₹1,80,000। तो हैरी की बुक में एंट्री क्या होगी? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल ऑफ ₹1,80,000। क्या इस ट्रांजेक्शन की कोई भी एंट्री जैक की बुक में होगी बेटा? नो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जॉर्ज और जैक के बीच में हुआ बेटा। जैक ने गुड्स बेचा है जॉर्ज को, तो जॉर्ज के लिए एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, गुड्स वर्थ ₹1,81,000। एम आई क्लियर? क्या इस ट्रांजेक्शन में हैरी इन्वॉल्व है? नो सर। जैक ने गुड्स बेचा है बेटा। एंट्री बोलिए। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जॉर्ज की तरफ से पैसा जैक को कितना रुपए जाना चाहिए था? 1,81,000। लेकिन जॉर्ज ने क्या किया? जैक को पैसा नहीं दिया, जबकि 1,80,000 का जो बी आर उसके पास पड़ा था वो एंडोर्स कर दिया उसने। और आगे क्वेश्चन में अब एक लाइन पड़ी होगी,
ये देखो क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट शब्द लिखा है बेटा। फुल सेटल मतलब 1,000 रुपये का जॉर्ज को जैक से डिस्काउंट मिल जाएगा। एंट्री बोलिए, जैक अकाउंट डेबिट टू बीआर टू डिस्काउंट। तो जैक के साथ सेटलमेंट कितना करना था? 1,81,000। आपके पास बीआर कितना पड़ा था? 180। और आपने 1,000 रुपये का क्या रिसीव कर लिया? डिस्काउंट। मैं राइट बेटा? क्या इस ट्रांजेक्शन में हेयर इन्वॉल्व है? नो सर। बिल किसके पास आ रहा है? करेक्ट, बिल आया बी आर अकाउंट डेबिट 1,80,000, क्योंकि इसने डिस्काउंट अलाउ किया है इसलिए डिस्काउंट डेबिट किससे आया बेटा? जॉर्ज से। आराम से आता, सरली से, कंफ्यूज मत होइए। जैक के पास बी आर किसके पास आया है? जॉर्ज से। कितने रुपीज का? 1,81,000। पहले बताओ यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, जैक और जॉर्ज आपस में फ्री हो गए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जैक ने गुड्स किससे खरीदा? हैरी से। तो क्या इस ट्रांजेक्शन में जॉर्ज इन्वॉल्व है क्या? तो जॉर्ज की बुक में तो एंट्री छोड़ दो। एंट्री नंबर 4, गुड्स किसने बेचा? जैक ने। तो पहले जैक की बुक में एंट्री लिखे, सॉरी परचेज किया है जैक ने। परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी कितने रुपीज का? 1,90,000। हैरी की बुक में एंट्री क्या होगी? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000 रुपीज। ओके, नाउ जैक की तरफ से पैसा किसको ड्यू था? हैरी को ड्यू था। जैक ने दिमाग ये लगाया कि उसने हैरी को 1,90,000 नकद में देने के बजाय थोड़ा पैसा तो कैश में दे दिया। थोड़ा यानी कितना दिया? 9,000। और एक उसने अपने पास जो बीआर आया हुआ था जॉर्ज के तरफ से वो वाला इंडोर्स कर दिया बेटा, और बाकी का सेटलमेंट 1,000 रुपये का डिस्काउंट लेके कर लिया। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? किसके पास आया पैसा? हैरी के पास। हैरी के पास क्या क्या आया? कैश आया पहले, कैश कितना रुपीस? एक बीआर आया बेटा, बीआर कितने का आया? 1,80,000। एक उसे क्या देना पड़ा? डिस्काउंट, जो कितने रुपीस का? 1,000। और ये उसने किसके साथ सेटलमेंट किया है? जैक के साथ। क्या इस ट्रांजेक्शन में एच यानी कि जॉर्ज इन्वॉल्व था क्या बेटा? नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जैक, जॉर्ज और हैरी दोनों से ही फ्री हो गया? देखो कैसे, जैक की बुक में पहले जॉर्ज का अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? जब मैं पूछूं तो आंसर दिया करो, कितने से हुआ? और वो क्रेडिट कितने से हो गया? जॉर्ज का अकाउंट क्लोज बेटा। हैरी का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ और वो डेबिट कितने से हुआ? यानी जैक की बुक में हैरी का अकाउंट भी क्लोज हो गया। पहले उसके पास क्या आया था और वही बीआर उसके पास से चला गया बेटा, यानी जैक अल्टीमेटली एकदम फ्री हो गया है कि नहीं हो गया? अब कहानी केवल किन पर्संस के साथ जुड़ी है? हैरी और जॉर्ज के साथ। एम आई राइट? चले, हैरी परचेज द गुड्स फ्रॉम जॉर्ज। तो पहले तो जॉर्ज की बुक में सेल्स की एंट्री पास की जाए। एंट्री बोलिए, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स रुपीज 2,00,000। हैरी की बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज ऑफ रुपीज 2,00,000। क्या इस ट्रांजेक्शन में जैक इन्वॉल्व है बेटा? अब ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने पैसा किसको दे दिया? जॉर्ज को, बाय चेक। ध्यान से देखिए बेटे, अगर मैं यहां तक मतलब यहां से ही क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहूं, ऊपर की सब पंचायती हटा दो, तो जॉर्ज की बुक में हैरी आपको डेटर दिख रहा है 2,00,000 रुपए का, और हैरी की बुक में जॉर्ज आपको क्रेडिटर दिख रहा है 2,00,000 रुपए का। मैं कह रहा हूं इसी एंट्री को देख के बताइए कि हैरी की तरफ से जॉर्ज को कितना पैसा देना ड्यू है? 2,00,000। तो फिर हैरी चेक भी कितना देगा? बात समझ में आ गई? लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या केवल इन्हीं दो एंट्री से बना है क्या? क्वेश्चन की शुरुआत तो बेटे यहां से हो गई थी ना, और ड्यू अमाउंट का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, और अकाउंटेंसी में
किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालना, यानी उस अकाउंट के डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस करना, या क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस करना। एम आई राइट बेटे? दो तरीके से बता रहा हूँ, पहले वर्बली समझ लो, सब बच्चे जवाब देंगे राइट। मैं बन जाता हूँ जॉर्ज, आप बन जाइए हैरी। मैंने पहले ही आपके ऊपर क्या लिख दिया था, एक वी आर, जो आपने एक्सेप्ट कितने का कर लिया। बात समझ में आ गई? यूजुअली क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बाद में बीआर बनता है ना। सपोज मैंने पहले आपको 2 लाख रुपए का माल बेचा होता और बाद में आप मुझे 1,80,000 का बिल एक्सेप्ट करके दे दिए होते, तो आप बैलेंसिंग फिगर का चेक कितने रुपए का दिए होते? 20,000। अब यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई। मैंने पहले आपके ऊपर बिल बना दिया 1,80,000 रुपये का और बाद में आपको माल बेचा है 2 लाख का, तो अभी भी मुझे अगर आपसे कोई पैसा लेना है तो कितने का ही लेना है? 20,000। कितने का लेना बोलिए? बात समझ में आई? दूसरी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम पहले जॉर्ज की बुक में एंट्री देख रहे हैं। जॉर्ज की बुक में हैरी नाम का पर्सन का क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है? 1,80,000। सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड एंट्री में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। सिक्स में देखिए, हैरी को आपने डेबिट कितने से कर दिया, तो हैरी डेबिटेड बाय 2 लाख एंड अर्लियर क्रेडिटेड बाय 1,80,000। क्या नेट में 20,000 का डेबिट बैलेंस आ गया बेटा? किसकी बुक में डेबिट बैलेंस है? किसका? हैरी का। जिस पर्सन के अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, हम उसे डेटर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? डेटर्स से पैसा लेते हैं या डेटर्स को पैसा देते हैं? तो जॉर्ज को हैरी से कितना पैसा लेना है? 20,000। यही वर्बली अपन डिस्कस भी किया था। अब इधर देखो, हैरी की बुक में बेटा जॉर्ज पहले डेबिट कितने से है? 180। फिर लास्ट एंट्री में ही जॉर्ज क्रेडिट कितने से हुआ? तो 2 लाख क्रेडिट एंड डेबिट 1,80,000। यानी हैरी की बुक में जॉर्ज के अकाउंट का बैलेंस 20,000 क्रेडिट बैलेंस है। यानी जॉर्ज हैरी का डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ? क्रेडिटर। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो 2 लाख क्रेडिट में 1,80,000 डेबिट में, यानी क्रेडिटर का वैल्यू 20,000 ज़्यादा है ना। तो हैरी क्रेडिटर जॉर्ज को पैसा देगा या पैसा लेगा? देगा। कितना ही? 20,000। क्या आपको अमाउंट ड्यू का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात समझ में आ गई? हु विल मेक द पेमेंट? हैरी टू जॉर्ज। किससे पैसा दे रहा है हैरी? चेक से। तो जॉर्ज के पास क्या आएंगे बेटे? चेक आएगा ना। एंट्री बोलिए, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी बाय द वैल्यू 20,000। ऑनेस्टली जवाब दीजिए, समझ में आया? और हैरी ने पैसा दिया है किसको? जॉर्ज को। एंट्री बोलो, जॉर्ज अकाउंट। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹20,000। क्या इस ट्रांजेक्शन में जैक इन्वॉल्व था क्या बेटा? अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी आपको जैक की बुक्स में से बीआर नाम के एसेट को गायब होता दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? अब एक बार हम लोग किसकी बुक में देखेंगे? जॉर्ज। जॉर्ज की बुक में पहले बीआर कितने रुपए का था, ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा था, और फिर देखिए आपने इसे क्या कर दिया था, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। फिर कहीं पर भी आपको बीआर या बीपी जॉर्ज की बुक में डेबिट या क्रेडिट होता दिखाई दिया? यानी जॉर्ज की बुक में तो बीआर नाम की एसेट गायब हो चुकी थी। अब देखिए हैरी की बुक में 1,80,000 का आपको क्या दिख रहा है? बीपी। और ये 1,80,000 का आपको क्या दिख रहा है? बीआर। क्या ये बीआर किसी और पार्टी से मिला हुआ है या ये बीपी कोई और आदमी ने एक्सेप्ट किया हुआ है? नो सर, ये जो हैरी के पास 1,80,000 रुपये का बीपी गया था, वही एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से एंडोर्स होके वही उसके पास बीआर बन के आ गया कि नहीं आ गया?
अगर ये दोनों अलग अलग केस होते तो हैरी को 1,80,000 का पेमेंट तो बीआर का मिल रहा होता और वो 1,80,000 का पेमेंट किसी और पार्टी को दे रहा होता। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? एक आदमी खुद ही को 1,80,000 देगा और खुद ही से 1,80,000 लेगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब करें क्या? आपको हैरी की बुक में बीआर नाम के एसेट डेबिट बैलेंस दिखा रही है और बीपी नाम की अकाउंट लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है। क्या इसे हम ऐसे ही कंटिन्यू रहने दें? नो सर, जब तक इन्हें क्लोज नहीं किया जाएगा, ये जब तक इसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब तक उसकी बैलेंस शीट में बीआर असेट में और बीपी लायबिलिटी में शो रहेगा कि नहीं रहेगा, जिनकी कोई ना पैसा लेने वाली कोई वैल्यू है और ना ही कोई देने वाली वैल्यू है। व्हाट शुड बी डू नाउ सर? इन्हें कैंसिल कर दिया जाए? फटाफट बोलो क्या करेंगे? कैंसिल कैसे करें? बीआर डेबिट बैलेंस था, क्या करें उसे? बीपी कौन सा बैलेंस था, उसे क्या कर दें? एक एंट्री बन जाएगी, बनाओ देखें, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये एंट्री केवल किसकी बुक में ही बनेगी? अरे अरे हैरी, क्योंकि हैरी के पास ही क्या था? बीपी, और हैरी के पास ही क्या था? बीआर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले कंप्लीट नोट कर लो, फिर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इसका। आपने कहाँ तक नोट कर लिया है? स्टार्टिंग से करना है, फटाफट लिखो। आप लोग जब 5 नंबर एंट्री तक लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ हो गया। कर लिया सबने नोट? ठीक है, अब सभी लोग फटाफट एंट्री बोलते जाएंगे। बेटा पहली वाली एंट्री किस चीज की हुई है?
जॉर्ज और हैरी के बिल बनाने और एक्सेप्ट करने के। जॉर्ज की बुक में एंट्री बोलिए, हैरी की बुक में। क्लियर सभी को? चले, फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। सेकेंड वाली एंट्री में ट्रांजेक्शन किन दो पार्टी के बीच में हुआ? जॉर्ज और जैक। जॉर्ज ने गुड्स खरीदा, जैक ने गुड्स बेचा। एंट्री बोली जॉर्ज की बुक में, फिर जैक की बुक में। दोनों एंट्री समझ में आ गई बेटा? बाद में जॉर्ज ने पैसा देना था जैक को, तो उसने क्या किया? बिल दे दिया, 1000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। जॉर्ज की बुक में एंट्री बोलिए, टू बी आर टू डिस्काउंट। जैक की बुक में एंट्री बोलिए, समझ में आ गई एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जैक और हैरी के बीच में हुआ। जैक ने गुड्स खरीदा, हैरी ने गुड्स बेचा। एंट्री बोलिए जैक की बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी। और हैरी की बुक में, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री नंबर 4 भी आपको समझ में आ गई बेटा? क्योंकि जैक ने गुड्स खरीदा है 1,90,000 का और सेटलमेंट 190 का करना था, तो जैक ने 1,90 के बदले 1,000 रुपये का डिस्काउंट लिया। अब बचा 1,89,000, 180 का BR दे दिया और 9,000 रुपये कैश में दे दिया। जैक की बुक में एंट्री बोलिए, हैरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? ये पैसा किसके पास आया? एंट्री बोलिए, BR अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जैक। एंट्री नंबर 5 समझ में आ गई बेटा? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हैरी और जॉर्ज के बीच में हुआ। जॉर्ज ने गुड्स बेचा है, तो जॉर्ज की बुक में एंट्री बोलिए, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हैरी की बुक में बोलिए, ये एंट्री समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन में लिखा था ड्यू अमाउंट, तो पहले से बिल कितना बन चुका है? 1,80,000, और ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है? 2,00,000, तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 रुपये। क्योंकि गुड्स खरीदा है हैरी ने, हैरी विल हैव टू मेक द पेमेंट, तो हैरी विल मेक द पेमेंट, तो एंट्री क्या होगी हैरी की बुक्स में? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जॉर्ज के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। बात समझ में आ गई बेटे? मैंने आपको जैक की बुक में से BR आया हुआ और BR गया हुआ कैंसिल करवा दिया था बेटा। जॉर्ज की बुक में BR जो आया था वो डेबिट से क्रेडिट होकर खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैरी की बुक में BP क्रेडिट खड़ा रह गया और BR डेबिट खड़ा रह गया, जो एक ही पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया है और एक ही पार्टी ने एंडोर्समेंट पे रिसीव भी किया है, तो ना तो उसे पैसे देने की जरूरत है और ना ही उसे किसी से पैसे लेने की जरूरत है। तो आपको BR और BP को बुक्स में से गायब भी करना पड़ेगा, तो BR पहले जो डेबिट था उसे आप क्या कर दीजिए? क्रेडिट। और जो BP पहले से क्रेडिट था उसे आप क्या कर दीजिए? डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? BP अकाउंट डेबिट टू BR। सब ऑनेस्टली बोलिए, आया समझ आपको? ये बिल्स फॉर अकोमोडेशन किन दो पार्टी के बीच में बना था? हैरी और जॉर्ज, ताकि जॉर्ज और जैक आपस में क्या कर सकें? कोई ट्रांजेक्शन कर सकें। दिस वॉज बिल्स फॉर अकोमोडेशन। अब कॉपी में जो थ्योरी आपने लिखी है उसमें देखो, ट्रेड ट्रांसमिशन के अलावा मैंने आपको एक बात और लिखवाई है, फॉर जनरेटिंग द फंड्स। ये फंड्स जनरेट करने के लिए बिल्स फॉर अकोमोडेशन कैसे आपकी मदद करता है? देखो ध्यान से, ए एंड बी, दीज आर टू गुड फ्रेंड्स, और बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसा ही हुआ, और ए को कुछ 10,000 रुपये की अचानक से जरूरत आ पड़ी। ए किसके पास ही जाएगा पैसे मांगने? बी के पास, बिकॉज एक दूसरे की हेल्प करना ही फ्रेंड्स का काम है। ए बी के पास गया, बी ने उसे 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन बी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्या? वापस कब देगा? ए ने बोला 1 महीने बाद दे दूंगा, बी ने बोला वेन इलफ। 1 महीना निकल गया, ए ने उधार लिए पैसे किसको दे दिए? बी को। काम बराबर हो गया। यही हेल्प बी की भी कौन कर सकता था? ए। लेकिन अगर ए ने बी से पैसे मांगे और बी ने कहा सॉरी यार मेरे पास अभी फिलहाल वास्तव में 1 भी रुपए नहीं है, तो ए को प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसी सिचुएशन में बी ए की एक दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता है, जिसका नाम है बिल्स फॉर अकोमोडेशन। आपको सुनाई दे रहा है पीछे? बिल्स फॉर अकोमोडेशन। कैसे? बी ए से ये बोल सकता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए? ए ने बोला यस। एक काम करो ए, तुम मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो, उस बिल को मैं क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट। ए बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जैसे ही तुम बिल ड्रॉ करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, हम दोनों के लिए बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम्हारे लिए बनेगा BR, मेरे लिए बनेगा BP। तुम इस बिल को क्या करना?
अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेना, तो बैंक तुम्हें इमीडिएटली थोड़ा सा नॉमिनल सा डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के जो तुम्हारे को फाइनेंशियल नीड है वो पूरी कर देगा कि नहीं कर देगा। बस एक बात का ध्यान रखना, ये बिल एक्सेप्ट किसने किया है? मैंने। और बिल पड़ा किसके पास रह जाएगा? बैंक के पास। तो बैंक तो पैसे किससे मांगने आएगा? मुझसे। तुम उस बिल के मेच्योरिटी डेट पे जो पैसे बैंक मुझसे लेगा वो पैसे तुम मुझे दे देना, मैं ये पैसे किसको दे दूंगा? बैंक को। बेटे बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ए की जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने के लिए ही ए ने बी पे पर जो बिल लिखा है, दिस बिल इज कॉल्ड बिल्स फॉर अकोमोडेशन। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, कितनी पार्टी है एग्जाम्पल में? दो। पहला बिल ड्रॉ किसने किया? ए ने। ए की बुक्स में लिखना नहीं है आपको, ए की बुक में एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बिल कितने का था? ओके। और बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। व्हाट ए विल डू? डिस्काउंट कराएगा? एंट्री बोलिए। मान लो डिस्काउंट करवाया 9,800 में, डिस्काउंट का लॉस कितने का हो गया? 200। और क्या चला गया उसके पास से? बी आर। आई बेटे बात समझ? इस ट्रांजेक्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं है? अच्छा, बिल की मेच्योरिटी डेट के दिन इस बिल का ओनर बैंक बन चुका होगा। बैंक किससे पैसे मांगेगा? और बैंक बी से पूरे पूरे कितने पैसे मांगेगा? बट बी को पैसा किससे लेना है पहले? सपोज बी ने ए से पैसे मांगे और ए ने पैसे दे दिए। ए जब मेच्योरिटी डेट से पहले बी को पैसा दे देगा तो ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट, सॉरी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एंट्री तो कब हुई? जब बिल को अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया। और ये एंट्री कब हुई? मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आ गई बेटा? पैसा किसके पास आ गया है? किससे आया? ए से, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए ऑफ ₹10,000। और ये जो 10,000 रुपये उसके पास बैंक में आए हैं वो ये पैसे किसको पे कर देगा? बैंक को, अगेंस्ट द बीपी एक्सेप्टेड बाय हिम। एंट्री बोलेंगे सर, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपीस का बेटा? 10,000। आई क्या आप सभी को बात समझ? अब अगर आप नोटिस करें तो पहले ए क्या हुआ? डेबिट। और फिर ए क्या हुआ? क्रेडिट। ए का हिसाब जीरो हो गया बेटा, बीपी क्रेडिटेड बाय 10,000, बी डेबिटेड बाय, बी का अकाउंट जीरो हो गया बीपी का। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आया और बैंक से गया भी कितना? यानी इस पूरी पंचायती का नतीजा बी की बुक्स में जीरो पड़ा कि नहीं पड़ा? और पढ़ना भी चाहिए था। वाई? बिकॉज बी ने तो खाली एक हेल्पर की जो परफॉर्मेंस थी वही दी है कि नहीं दी है? बी खाली और खाली ए के लिए एक हेल्पिंग पर्सन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन जो नेट में रिजल्ट बचेगा वो किसकी बुक में बचेगा? कैसे? बी आर डेबिटेड बाय 10,000, बी आर क्रेडिट बाय 10,000, बी क्रेडिट बाय 10,000, बी डेबिट बाय 10। अब ध्यान सुनो, बैंक में आए कितने हैं और बैंक से गए कितने हैं? यानी बैंक से नेट में ₹200 चले गए कि नहीं चले गए? और डिस्काउंट डेबिट कितना हुआ? तो ए की बुक में जो नेट में अकाउंटिंग बची उसका नेट इफेक्ट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹200 का ही बचा कि नहीं बचा? यानी ये डिस्काउंट का लॉस किसने बियर किया है, क्योंकि फंड का एंजॉय भी किसने किया? ए ने। एम आई क्लियर? यहाँ पे वन पार्टी का अकोमोडेशन था। अब दूसरी सिचुएशन, ए पैसे किसके पास मांगने गया? बी के पास। बी ने बोला, अच्छा हुआ ए तू मेरे पास आ गया, मैं तेरे पास आ रहा था पैसे मांगने। यानी ए को भी जरूरत है और बी को भी जरूरत है। चल नहीं, ये सुनो, अब क्या करें बताइए? व्हाट विल यू सजेस्ट? ए बी पर बना दे, बी ए के ऊपर बना दे, ए अपने बिल से डिस्काउंट करवा ले, अपने डिस्काउंट करा ले, समय पर एक दूसरे को पैसे दे, दिखानी खत्म। लेकिन कभी कभी दो बिल बनाने के बजाय एक बिल से भी काम चलाया जा सकता है। कैसे? ए बिल बनाएगा ₹10,000 का और बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। ए के पास कितने पैसे आ जाएंगे? 9,800।
आधे पैसे किसको सेंड कर देगा ए, बी को। तो जो ए की जरूरत थी वो ए की जरूरत पूरी हो जाएगी, और जो बी की जरूरत थी वो बी की जरूरत पूरी हो जाएगी। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, बिल का मालिक कौन बन चुका होगा? सोचो सोचो, डिस्काउंट करवाने के बाद बिल का मालिक कौन बन चुका है? और ये बिल एक्सेप्ट किसने किया था? बैंक को तो बी से एक्सेप्टेड बीपी के पूरे पूरे 10,000 ही लेने हैं कि नहीं लेने हैं? बताइए, क्या बी की जिम्मेदारी भी वास्तव में 10,000 पे करने की ही बनती है क्या? वो अपनी जेब में से कितने निकाल देगा और बाकी किससे मंगवाएगा? ए से पैसा लेगा, खुद के पास पड़े 5,000, ए से आए हुए 5,000 मिलाकर किसको पे कर देगा? बैंक को। तीनों पार्टी फ्री हो गई कि नहीं हो गई? और प्रेजेंट में जो पास्ट में जो पैसों की जरूरत थी वो पूरी हो गई है कि नहीं हो गई? दिस वॉज म्यूचुअल अकोमोडेशन। पहले वाले में क्या था? सिंगल अकोमोडेशन, इस बार क्या हो गया? म्यूचुअल अकोमोडेशन। अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी देखिएगा जरा, कितनी पार्टी है एग्जाम्पल में? दो, ए और बी। बिल बनाया किसने बेटा? एंट्री बोलिए, ऑफ रुपीज। बी की बुक्स में एंट्री बोलिए, टू बिल्स पेबल बाय द वैल्यू 10,000। ठीक है बेटा, ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड। बैंक में कितना पैसा आया? 9,800, डिस्काउंट का 100 रुपये, सॉरी 200, और टू बी आर रुपीज 10,000। क्या इस ट्रांजेक्शन में बी इन्वॉल्व बेटा? पैसों का बंटवारा कितना कितना होना था? 50% 50% होना था। पैसे हैं किसके पास? आधे किसको देगा? अच्छा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 9,800 का आधा करो तो कितना हुआ बेटा? एक बात बताए, पिछले वाले केस में पूरे 200 रुपए का बर्डन किस पे आ रहा था? क्या आपके बारे भी ए पे आएगा क्या? पूरा ए पे आएगा, पूरा बी पे आएगा, या आधा आधा आएगा? तो बी के बुक्स में डिस्काउंट डेबिट होना कितना चाहिए और है कितना? तो उसे काट के 100 रुपए लिख दो क्या, या जो डेबिट आपने 200 रुपए किया था उसको 100 रुपए से क्रेडिट कर दूं तो 200 माइनस 100, 100 रुपए रह जाएगा ना? टू डिस्काउंट कितना रुपीज? 100। तो बी डेबिट कितना हो गया? अब आप ध्यान से देखिए, 9,800 का आधा हो गया 4,900, डिस्काउंट का 200 का आधा हो गया 100, और 10,000 का आधा कितना हो गया? 5,000। और ये पैसा आया किसके पास है? बी के पास। एंट्री बोलिए, 4,900, 100 टू ए। हाउ मच? जो प्रेजेंट में जो फाइनेंशियल नीड थी पूरी हो गई बेटा। अब जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक बी से एक्सेप्टेड बीपी के 10,000 ही रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी 10 पे करने की बनती है? लीगली 10,000 पे करने की बनती है, लेकिन एक्चुअल में उसे 5,000 खुद के मिलाने हैं, और 5,000 किससे लेने हैं? ए से। बी ने किसको फोन लगाया होगा? और ए ने कहा ठीक है, मैं अपने हिस्से के 5,000 तुम्हें पे कर देता। सो डिड ए, ए ने पैसा दे दिया। ए ने जब बी को पैसा दिया होगा 5,000, तो उसकी एंट्री बोलो क्या हुई होगी? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रुपीज? 5,000। पैसे किसके पास आए? एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कितने रुपीज? बात समझ में आ गई बेटा? और अब बी की जिम्मेदारी कितने रुपए से बी को पे करने की है बिल को? 10,000। एंट्री बोलिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। वो के लिखा है मैंने 10,000। एम आई क्लियर? क्या ये ट्रांजेक्शन ए की बुक में होगा? नो। अब जरा गौर से देखें, पिछली बार नेट इफेक्ट किसकी बुक में नहीं आया था? किसकी बुक में आया था? क्या आपकी बार नेट इफेक्ट दोनों की बुक में आएगा? क्यों? पैसा दोनों लिया है। पहले ए डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000 से। एक बार क्रेडिट कितने से हुआ? 5,000। दूसरी बार क्रेडिट कितने से हुआ? 5,000। ए का अकाउंट जीरो हो गया। बीपी क्रेडिटेड बाय 10,000, बीपी डेबिटेड बाय 10,000, जीरो बैलेंस हो गया।
अच्छा बैंक में पहले कितने आए? 4,900। फिर बाद में कितने आए? 5,000। यानी 9,900 तो आए, और लेकिन गए कितने? तो आपकी बुक में जो बैंक अकाउंट था वो 100 रुपये से क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है बेटा। अच्छा डिस्काउंट डेबिट कितने से बचा है? 100। तो डिस्काउंट डेबिट 100 टू बैंक 100। दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ एंटायर जर्नल एंट्रीज। सेम कामकाज किसकी बुक में होगा? बी आर डेबिट 10,000, बी आर क्रेडिट 10,000। बी क्रेडिट पहले तो कितने से हुआ, फिर एक बार डेबिट कितने से, और फिर दूसरी बार डेबिट 0 हो गया। आपके पास बैंक में पहले कितने पैसे आए? एक बार तो कितने गए, तो अब बचे 4,900। फिर दूसरी बार कितने गए, यानी 100 रुपये ज़्यादा चले गए ना, तो नेट में इफेक्ट बचा टू बैंक कितना रुपीज? 100। डिस्काउंट डेबिट कितने से हुआ था? 200। क्रेडिट कितने से हुआ? 100। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक दोनों की पार्टी में नेट इफेक्ट बचा कि नहीं बचा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंगल अकोमोडेशन नहीं था, दैट वाज म्यूचुअल अकोमोडेशन। बेटे बात समझ में आई क्या आपको? पक्का ये दोनों क्वेश्चन ना तो एग्जाम में पूछे जाएंगे और ना ही आज तक पूछे गए। तो फिर हमने इतनी पंचायती क्यों करी, क्या रीजन था इसका? इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लिया ना हम लोगों ने अब तक, जरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 की रीडिंग लगाइए। पढ़िए पहले आप लोग। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन April 1, 2019, एक्स ड्रू अ 4 month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000। Y returned the bill after acceptance of the same date. X discounts the bill from his bankers at the rate 6% per annum and remit ka matlab hota hai paisa bhejna 50% of the proceeds to Y. Ab aage ki baat nahi padhenge, aage ki baat dusri hai. To jo maine example diya usme ek party bill bana rahi hai, dusri party bill accept kar rahi hai. Jis party ne bill banaya usne bill ko discount karwaya aur aadhe paise kisko send kar diye, दूसरी पार्टी को। मेरा एग्जांपल ऐसा का वैसा सामने आ गया आप लोगों को। अब ये आगे की कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। इधर देखो जरा बेटा, सेकंड बिल जो बिल था वो कितने रुपीस का था? एक्चुअली बिल कितने रुपए का है हमारे वाले एग्जांपल में? 10,000। ये एक्सेप्ट किसने किया है? बी ने एक्सेप्ट किया है। तो बैंक को 10,000 रुपए पूरे पूरे देने की जिम्मेदारी भी, लाइबिलिटी भी बी की होनी थी। यहां पर बी ने पहले किसको कॉल लगाया होगा कि भाई मैं अपने हिस्से के तो 5,000 दे दूंगा, तुम अपने हिस्से के मुझे 5,000 रुपए दे दो। तो अभी तो अपन ने क्या माना कि ए ने पैसे दे दिए हैं बी को। सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट यह आ सकता है कि मान लो ए कहता सॉरी मेरे पास फिलहाल भी पैसे नहीं है। समस्या हो गई कि नहीं हो गई? बी क्या बोलेगा, यार बिल कितने रुपए का है? 10,000। मैं मेरे हिस्से का कितना दूंगा, तू मुझे तेरे हिस्से का दे ताकि हम पे कर सके। इन्हें कह रहे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बी फंस गया। बी की जिम्मेदारी, क्योंकि बिल एक्सेप्ट किसने किया, अगर वो बिल क्या हुआ तो गुडविल पे इम्पैक्ट किसके ही पड़ेगा। ए ने बोला देख अभी तू तेरे सोर्सेस से तू पे कर दे, बाद में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बी ने बोला कोई बात नहीं, ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। बताइए जरा बी की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी पे करने की बैंक को? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ ₹10,000। क्या ए की बुक्स में कोई एंट्री पास होगी? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, क्या बी को अभी भी ए से 5,000 रुपये लेने बाकी हैं क्या? यानी कि बी इज द क्रेडिटर ऑफ ए और ए इज द डेटर ऑफ बी, एम आई राइट? पहले बी का क्रेडिट बैलेंस देखिए कितना है, 10,000 रुपीज, और बी का डेबिट बैलेंस कितना है? 5,000। बेटा क्रेडिट 10,000, 5,000 डेबिट, तो नेट में ए की बुक में बी के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 5,000 ही आया कि नहीं आया? यानी बी इज द क्रेडिटर ऑफ ए। बी की बुक्स में ए डेबिटेड बाय और ए क्रेडिटेड बाय 5,000, तो नेट में बी की बुक्स में ए के अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,000 हो गया कि नहीं हो गया? डेबिट मतलब डेटर, यानी बी को ए से 5,000 रुपए नेट में लेने बाकी हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बोलिए फटाफट।
ये कहानी पॉसिबल कब हो सकी? ये वाली कहानी कब पॉसिबल थी? जब बी ने अपने सोर्सेस से पैसा किसको दे दिया। प्रॉब्लम और कहां खड़ी हो सकती थी? बी कहता, तेरे पास छोड़, मेरे पास भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुझसे लेकर बैंक को पैसा दे दूंगा। तो ना पैसे किसके पास और ना पैसे किसके पास, बड़ी समस्या हो गई बेटे। अब तो बिल डेफिनेटली क्या होएगा? अंडरस्टूड? इन्हें बोला टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? पहला बिल ए ने बनाया था और एक्सेप्ट किसने किया था? पैसे आपस में बांट लिए थे। ए ने बी को कहा घबराने की जरूरत ही नहीं, दिस टाइम यू ड्रॉ अ बिल एंड आई विल एक्सेप्ट। तो बी तुम्हारे लिए क्या बनेगा? बी आर। और मेरे लिए क्या बनेगा? बी बी। इस बिल को तुम अपने बैंक से क्या करवा लेना? डिस्काउंट। तो तुम्हारे पास रोकड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उस पैसे से फिलहाल जो हमारे सर पे एग्जिस्टिंग बीपी को पे करने की जो जिम्मेदारी खड़ी है, हम उसको पे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब इस सेकेंड बिल का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद की बाद में देखी जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में है? यानी कि कहानी में पहले बिल के अलावा दूसरा बिल भी आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो फटाफट बोलो। अब ये भी चेंज नहीं है क्वेश्चन, अभी तो एक्चुअल खेल बाकी। ए ने बी से कहा, बी तुम मेरे ऊपर बिल बनाना 15,000 रुपए का। बी बोले, अरे पागल है क्या, 15,000 कैसे, पुराना बिल तो कितने का ही है। ए ने कहा, वी आर बिजनेसमैन और बिजनेस में तो पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बात तो सही है। बोले 15,000 क्यों, ये तो बताना। बोले 15,000 रुपए के बिल को तू बैंक से क्या करवा लेना? डिस्काउंट। उस 15,000 में से पुराने वाले 10,000 का क्या कर देना? पेमेंट। तेरे पास सरप्लस मनी बचेगा कि नहीं बचेगा? उसमें से आधे पैसे इधर दे देना, आधे पैसे तू रख लेना। तो मेरे को और पैसे मिल जाएंगे बिजनेस में, तेरे को और पैसे मिल जाएंगे बिजनेस में। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ऐसा ही हुआ। फर्स्ट बिल का पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अभी कहानी में कौन सा बिल बचा? सेकंड। कितने वाला? आवाज नहीं आई। करेक्ट। सेकंड वाला बिल ड्रॉ किया था बी ने और एक्सेप्ट किया था ए ने। अंडरस्टूड? बैंक पैसा किससे ही लेने जाएगा? ए से। ए हो गया इंसॉल्वेंट। ए क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बैंक को ये फर्जी बिल किससे मिला था? बी से। तो क्योंकि ए क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बी सारे के सारे बैंक सारे के सारे पैसे किससे निकाल लिया? बात समझ में आई? अब इस पूरी कहानी का समरी ये हुआ कि इस कहानी में पैसा लिया ही लिया किसने? ए ने। और दिया ही दिया किसने? यानी बी ने खुद का हिस्सा तो बैंक को दिया ही दिया, साथ ही साथ ए के हिस्से का भी पैसा उसने बैंक को दिया कि नहीं दिया? पहला वाला बिल नॉर्मल तरीके से पे हो गया, दूसरा वाला बिल जबरदस्ती बैंक बी के खाते से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? मैदान में कितने खिलाड़ी? बी को लेना है और ए को देना है। और क्योंकि ए क्या हो गया, मान लो 50% मनी कुड बी रिकवर्ड, तो बी को जो पैसे ए से लेने थे वो केवल कितना ही पैसा ले पाएगा? 50%। जितना मिल जाएगा वो मिल गया, जो नहीं मिला वो बैड डेट्स में चला जाएगा। बेटे पहले ऑनेस्टली बोलो, जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या? ये इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आपके कॉपी बुक में 3 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12, और पास्ट एग्जाम में ये 2 बार पूछे गए हैं। अब आपने यहां तक तो पढ़ लिया था ना बेटा, यहां तक पढ़ लिया था? आगे पढ़िए मेरे साथ, सुनना है मेरे को, बोलिए आगे। ऑन ड्यू डे एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। रुको, ए ने अपने हिस्से के 5,000 देने मना कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? आगे पढ़िए क्या लिखा है। Why draws a bill? Now, फिर बी ने बिल बनाया था ए के ऊपर, यहाँ पे बिल अब किसने बनाया, किसके ऊपर बनाया? एक्स के ऊपर। देखो सेकेंड बिल कितने का आया जबकि पुराना वाला कितने का था? समझ में आया ज्यादा का क्यों आया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। वाई क्या करेगा, घर पे जाके अलमीरा में बंद कर देगा बिल को? क्या करेगा उसे? डिस्काउंट द बिल फॉर रुपी। अच्छा, पहले 6,600 का बंटवारा होगा या पहले वाले बिल का पेमेंट होगा? डू यू एग्री? फर्स्ट वाला बिल कितना पे कर दिया, कितना बचा? 2,600 रुपये। उसमें से उसने 1,300 रुपये किसको भेज दिए? आई बात समझ? मैंने बताया था ना, 15,000 में से पे कर दिया, बचा पैसा दे दिया। आगे पढ़ो क्या लिखा है।
एक्स बिकम्स इनसॉल्वेंट. मेरे एग्जाम्पल में कौन इंसॉल्वेंट हुआ था? ए. लेटर 25 paise in a rupee received from his estate, record journal entry in the books of X. जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल था बेटा. लेकिन अगर अपन 2 मिनट पास्ट में जाके देखें तो बहुत सारी बातें मैंने बोल दी थी आप लोगों को, ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना हुआ डीम का हुआ. इसकी एंट्री कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम हो गया कि नहीं हो गया? इसको आसान बनाने का बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए. आपको एक वर्किंग नोट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना. मेरा वाला एग्जाम्पल देखिएगा. हमारे वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट बिल कितने का बना था बेटे? अगले 10 मिनट आपको आवाज़ बराबर देनी है, खाली मत बैठिए, सीधे बैठिए, क्योंकि आप में से जो नींद में आए हैं या जो सो रहे हैं वो आपकी आवाज़ से जग जाएंगे. ठीक है, मेरा ही भला हो जाएगा और आपका ही भला हो जाएगा और आपके दोस्त का ही भला हो जाएगा. फर्स्ट बिल कितने का है? इस बिल को हमने बैंक से कितने में डिस्काउंट करवाया? शाबाश. डिस्काउंट कितने का? ये इस बात को साबित करता है कि आपको बोलना तो आता है लेकिन आप बोलते नहीं हो. 9,800 आ गए बेटा. ये 9,800 रुपए अकेले ए ने लिए हैं क्या? आधे किसको सेंड किए? तो 9,800 का आधा किसके पास रह गया? ए के पास. और आधा किसके पास चला गया? क्या 200 का डिस्काउंट अकेला ए बियर करेगा या ए और कितने कितने? वाई नॉट 150 and 50? पैसा जब आपस में इक्वल बटा तो डिस्काउंट का लॉस भी इक्वल जाएगा. वेल इनफ, बात समझ में आई? नाउ कहानी में फिर क्या आया? सेकंड बिल कितने का आया था? बी ने इस बिल को डिस्काउंट करवाया होगा. फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट कितने में करवा लिया? 700. डिस्काउंट कितने रुपए का लगा? ओके. क्या 14,700 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सबसे पहले बी क्या करेगा? पुराने वाले बिल का पेमेंट करेगा. पुराना वाला बिल कितना था? फर्स्ट बिल पेड कितना बचा? बात समझ में आ गई? 4,700 बी के पास सरप्लस मनी बचा होगा, उसने आधे किसको दे दिए? 2,350. और बी के पास भी अच्छा, ये डिस्काउंट का लॉस अकेला ए भी बियर करेंगे क्या? शाबाश. 150 किसका और 150 किसका? समझ में आया कुछ? अब अगर अपन ए और बी की शेयरिंग की बात करें तो ए की जिम्मेदारी पहले बिल में जो नकद मिले 4,900 प्लस 100 रुपये यानी फर्स्ट बिल में 5,000 चुकाने की हुई बेटा. दूसरे वाले बिल में 2,350 प्लस 150 यानी 2,500 की जिम्मेदारी हुई. यानी ए के ऊपर बर्डन कुल मिलाकर कितने का था? सेम सिचुएशन किसके साथ रही बेटा? 4,900 प्लस 100 बोले तो 5,000. बी में सेकंड बिल में 2,350 प्लस 150 टोटल. आई बात समझ? इन दोनों का टोटल लगाइए. सेकेंड वाला बिल भी कितने का था? ए क्या हो गया था? बिल एक्सेप्ट भी ए ने ही किया था और ये बिल एक्सेप्टेड हुआ बैंक के पास पड़ा था जो कि बैंक को किसने दिया था? बी ने. ये फर्जी बैंक ने फर्जी बिल किसको लौटाया और उसके अकाउंट से कितने ले गया? अब मुझे ये बताइए, बी के अकाउंट से जो 15,000 कटे हैं क्या उसकी जिम्मेदारी अकेले 15,000 बी की थी क्या? उसमें से जिम्मेदारी बी की केवल कितने की थी? तो बी ने जो 15,000 का पेमेंट किया उसमें 7,500 खुद के शेयर के किए, बाकी के 7,500 किसके शेयर के किए? एम आई राइट? और ए क्या हुआ? 50% दे पाया 7,500 का, 50% 3,750 मिल गया, 3,750 नहीं मिला, बाकी का अमाउंट 7,500 एडजस्ट हो गया. अभी पहले के कंपैरिजन में क्या ये वर्किंग नोट बनाने से थोड़ा इजी हुआ बेटा? अब जर्नल एंट्री कैसे होगी? बहुत आसान. पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होगी? फर्स्ट बिल की. आपको बिल बनाने की एंट्री आती है ना, ए की बुक में BR to B, बी की बुक में A to AP, क्लियर? सेकेंड एंट्री इस बिल को बैंक से डिस्काउंट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू BR,
बात समझ में आई। फिर इस थर्ड एंट्री होगी पैसों का आपस में बांटने की, ए पैसा देगा तो ए की बुक में बी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, बी के पास पैसा आएगा बैंक डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। डोंट वरी मैं कल वापस बोलूंगा ये सारी बातें, क्वेश्चन भी करने अपने को। तीन एंट्री होगी बेटा, मैच्योरिटी डेट के दिन ए की तरफ से पैसा किसको जाना चाहिए था, बी को पैसा वो नहीं दे पाया और ना ही बी के पास खुद के पास मनी है कि वो बिल को पे कर सके, इसलिए फिर कहानी में कौन सा बिल बनकर आया, तो फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ एंट्री किसकी होगी, सेकंड बिल की, किसकी बुक में होगी ए और बी, बी के लिए होगा बी आर, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, ए के लिए होगा बी अकाउंट डेबिट टू बी पी, बन सकते हैं ना एंट्री। बी ने इस बिल को बैंक से क्या करवाया, डिस्काउंट, बोलो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, एंट्री नंबर 5 हो गई बेटा। आपने इस 10,000 का क्या किया, पेमेंट किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री नंबर 6 हो गई बेटे। और अब जो 4,700 बच गए उसको बी ने आधे किसको सेंड कर दिए, तो बी के बुक्स में भेजने की एंट्री, ए के बुक्स में आने की एंट्री, बी अकाउंट सॉरी ए अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, इधर बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी। बात समझ में आ गई, 7 एंट्री तो वर्किंग नोट की हेल्प से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, और अब सिर्फ 2 एंट्री और बनेगी। 15,000 रुपये का बिल डिसऑनर हुआ है, ध्यान रखिए, और मैंने कल तक क्या सिखाया था कि जैसे ही बिल क्या होएगा, डिसऑनर, हमें उसके कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी होगी कि नहीं करनी होगी। तो 8 नंबर एंट्री होगी डिसऑनर की, और फाइनली 9 नंबर एंट्री होगी बी के पास आधे पैसे आने की और डेफिशिएंसी की, ए की बुक में आधे पैसे जाने की और बैड डेट्स की, एंड द क्वेश्चन विल बी ओवर। कुछ समझ में आया? कल जब मिलेंगे तो वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अच्छा 11 पढ़ के देखो, देखो वर्बली मत पढ़ो, खाली मन में ही पढ़ लो, एक बताओ सेम है क्या। Only value are changed, concept is same, right? Please, illustration number 12 also. यहाँ पे 1/3 share कर रहा है अनिल, सेम, एकदम सेम ना। हम इन तीनों इलस्ट्रेशन के लिए इसी तरह का क्या बनाएंगे, एक वर्किंग बनाएंगे। एंड बिलीव मी, आपको अब तक जो ये क्वेश्चन शायद टिपिकल लगा होगा, मैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 विद वर्किंग नोट करवा दूंगा, तब बोलोगे कि पूरे चैप्टर में सबसे इजी क्वेश्चन ही कौन से हैं, 10, 11 और 12। क्यों? क्योंकि एंट्री तो बनाना सीख ही चुके, वर्किंग नोट आपको बनाना आ ही गया, और एक ही तरह के तीन क्वेश्चन होंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, जो पढ़े समझ आया? बाकी का कल करते हैं, ठीक है? ओके।